आज जो कोविड के पॉजिटिव केसेस मिले हैं वे है 6,270, और दुरुस्त होके जो घर गए हैं वे केसेस है 13,758। तो कुल मिला के एक्टिव केसेस आज की तारीख में 1,24,000 है। इससे पॉजिटिविटी रेट आज की जो है 4.4 है, और हमारा जो रिकवरी रेट है वो 96% है। तो काफ़ी हद तक महाराष्ट्र की स्थिति स्टेबल है, और ग्राफ जो है वो दिन ब दिन फ्लैटन होते जा रहा है, और निश्चित तौर पर ये समाधान की बात है। आज जो डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में जो चर्चा हो रही है उसके हद तक मैं कुछ कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र शासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसके तहत होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के बारे में हम हर डिस्ट्रिक्ट में 100 केसेस सैंपल्स की तौर पर ले रहे हैं, और इस 100 सैंपल्स के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट इसमें आइडेंटिफाई हो रहा है या नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा कि करीबन 7,500 केसेस सैंपल्स लिए गए। 15 मई के बाद यह प्रोग्राम शुरू हुआ है, और इन सैंपल्स में 21 डेल्टा प्लस वेरिएंट आइडेंटिफाई हुए हैं, और यह जो 21 केसेस है वे रत्नागिरी में 9, जलगांव में 7, मुंबई में 2, पालघर, सिंधुदुर्ग एंड ठाणे में 1 रिस्पेक्टिवली, ऐसे यह केसेस मिले हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन केसेस के हद तक स्वास्थ्य विभाग ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, नंबर 1 जो इंडेक्स केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं उसके पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं, जिसमें वह जो इंडेक्स केस का जो व्यक्ति है उसका री इन्फेक्शन हुआ है क्या 102 दिन के बाद, या वैक्सीनेशन होने के बाद भी उनको इन्फेक्शन हुआ है क्या, उनका ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, यह सब कुछ जानकारी इंडिविजुअल हम लेना चाहते हैं। और इसके बाद इंडेक्स केसेस के जो भी कांटेक्ट ट्रेसिंग है वो भी हम एग्रेसिवली कर रहे हैं, जिससे कि यह जानकारी हम लेना चाहेंगे कि उनके हाई रिस्क कांटेक्ट्स और लो रिस्क कांटेक्ट्स में जो स्वैब्स लेके टेस्टिंग किए जाएंगे वे जीनोमिक सीक्वेंसिंग में एग्जैक्टली क्या दिखाते हैं। तो यह भी सूचना हमने दी है, और इंडेक्स केसेस के जो एरिया है उस एरिया के लोगों की हम ILI और सारी का भी सर्वेलेंस हम करने की सूचना दी है। तो इस तरह से हम डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस इस हद तक दिए हैं। यह सब इंस्ट्रक्शन इसलिए हम दे रहे हैं कि हमें जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है डेल्टा और डेल्टा प्लस, ये जो म्यूटेशन हुआ है उसमें यह देखना चाहते हैं कि इसका विरुलेंस, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है। आज जो प्राइमर फीसी इंफॉर्मेशन हमें मिली है जिसमें ट्रांसमिसिबिलिटी कम है लेकिन विरुलेंस ज़्यादा है, और
हम ये भी जानकारी जानना चाहते हैं कि कोविशील्ड कोवैक्सीन इन वैक्सीन्स को वो एस्केप कर रहे हैं क्या नहीं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सैंपल्स की भी स्टडी की ज़रूरत है। वह सैंपल्स की स्टडी आज हमारा स्वास्थ्य विभाग निश्चित तौर पर कर रहा है, और इसीलिए हम जो सैंपल्स ले रहे हैं उससे ये अनुमान हम आने वाले दिनों में लगा पाएंगे। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी उद्धव जी ठाकरे साहब, इनके हद तक इनके साथ हमारी मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग में कई डिसीजंस लिए हैं, ख़ास तौर पर जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, उसका पूरा प्रेजेंटेशन हुआ, जिसमें हमारा जो डैशबोर्ड है आने वाले दिनों में थर्ड वेव का अनुमान जो हम लगा रहे हैं, उसका डैशबोर्ड एक देश में सर्वोत्तम डैशबोर्ड राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बनाया है, जिसके माध्यम से बेड्स, ऑक्युपाइड बेड्स, ऑक्सीजन की जो भी स्टेटस है और मेडिसिन की स्टेटस, ये सभी जानकारी एक क्लिक में उपलब्ध होगी, जिससे कि हमारे महाराष्ट्र के सभी जनता को, लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सकेगी और गवर्नमेंट को भी डिसीजन लेने के लिए सुविधा होगी। और जो डिसीजंस लिए गए हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हमें आने वाले दिनों में भी विकसित करना है, जो हमारा ख़ास तौर पर मंजूर किए हुए जो संस्थाएं हैं, जैसा कि पब्लिक हमारा रूरल हॉस्पिटल हो या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या हमारे पीएससीज हो, सब सेंटर्स हो, उसके लिए लगने वाली कंस्ट्रक्शन को लगने वाली जो फंड्स हैं वह कितने लगेंगे। ख़ास तौर पर जो हमने जो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी एक प्रस्ताव गवर्नमेंट के मान्यता से भेजा है, जिसमें कैबिनेट ने मंजूरात दी है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लैरिफिकेशन या अप्रूवल बाकी है, तो उसका भी एक्चुअली मुख्यमंत्री जी के मीटिंग में ख़ास तौर पर उसका जो रिपोर्ट। नंबर थ्री, हमने ये भी मांग रखी है कि स्वास्थ्य विभाग के लिए जो बजट एलोकेशन होना चाहिए वो 5% ऑफ द GDP होना चाहिए, और इसीलिए आज सिर्फ 0.921% होने की वजह से कई स्वास्थ्य विभाग के जो निधि की उपलब्धता के वजह से, फंड्स की उपलब्धता के वजह से आज दिक्कत आ रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी मान्य किया है कि हम ज़रूर इसके ऊपर गौर करेंगे। जहाँ पर जो रिमोट प्लेसेस है और ख़ास तौर पर जो आदिवासी एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी CSR के फंड्स के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के कुछ सुविधाएं निर्माण करने की भी डिसीजन यहाँ पर हुई है। जो नए नए संस्थाएं मान्यता दी जाती है उसके लिए भी जो पोस्ट्स होते हैं वह पोस्ट्स इमीडिएटली मंजूर होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और इसीलिए यह जब मंजूर किया जाता है तभी इसके पोस्ट्स मंजूर किया जाना चाहिए, यह मांग भी मान्य की गई है। मैं एक बहुत ही अहम मुद्दा यहाँ पर रखना चाहता हूँ
कि महाराष्ट्र सरकार को वैक्सीनेशन बहुत ही एग्रेसिवली करना है, जबकि आज तक हम एज ग्रुप 30 to 44 और 30 ऑनवर्ड्स हम वैक्सीनेशन कर रहे थे, लेकिन वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए हम आज यह भी निर्णय लिया है कि 18 साल के ऊपर के सभी महाराष्ट्र के रेसिडेंट्स को हम वैक्सीनेट करना चाहेंगे। सो मैं अपील करता हूँ महाराष्ट्र के सभी नौजवान साथियों को, युवकों को, युवतियों को, कि आप कल से जो 18 साल के आगे के सभी लोगों को हम वैक्सीनेट कर रहे हैं, टीकाकरण कर रहे हैं, उसमें आप सहभाग लीजिए और बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को आप यशस्वी कीजिए। थर्ड वेव के माध्यम से भी जो अंदेशा भारत सरकार ने कहा है कि जुलाई एंड हो, अगस्त हो या सितंबर हो, थर्ड वेव आ सकती है, इसीलिए इसी तीन डिसीजंस इसमें भी लिए गए हैं। नंबर वन, हम ऑक्सीजन के हद तक इसमें स्वयंपूर्ण होना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। सेकेंड वेव में हमें 1800 मैट्रिक टन ऑक्सीजन पीक वेव के हद तक पीक समय में हमें लगता था, लेकिन अगर समझो थर्ड वेव में बहुत ज़्यादा संक्रमण हुआ तो 3000 मैट्रिक टन्स हम पर डे राज्य में हमने बनाना चाहिए और हमने इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो यह भी निर्णय हुआ, उसका भी प्लान आउट हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले एक महीने के भीतर महाराष्ट्र 3000 मेट्रिक टन पर डे निश्चित तौर पर बनाएगा। नंबर टू, आने वाले थर्ड वेव में जैसा कि एक अंदेशा कहा गया है कि बच्चों पे इसका असर होगा, तो उसकी भी व्यवस्था, पीडियाट्रिक बेड्स हो, हर डिस्ट्रिक्ट में पीडियाट्रिक का टास्क फोर्स हो, या पीडियाट्रिक्स खास तौर पर बच्चों के लिए लगने वाली दवाइयाँ हो, इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए, यह भी निर्णय हुआ है और उस प्रकार की सूचना दी गई है। इसमें तालुका यानि ब्लॉक, यह हमारा यूनिट रहेगा और हर ब्लॉक वाइज यह व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी सूचना हम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दे रहे हैं। नंबर थ्री, इम्पॉर्टेंट यह है कि सभी मेडिसिंस और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, वेंटिलेटर्स जो भी लगेगा, एक अंदाज़ा जो किया गया है उस अंदाज़ा से निश्चित तौर पर यह सभी व्यवस्था करने की सूचनाएं हमने दी है। थैंक यू।